Hi, good morning. Welcome back to my YouTube channel. हिमाचली ब्लॉगर पूजा. तो अभी आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं और मैं बना रही हूँ अभी चाय. तो घर देख के तो आपको पता लगी क्या होगा कि मैं वापस आ गई हूँ, वापस पहुँच के. अभी मेरे मुंह भी नहीं धोया है, चाय चढ़ा के फिर मुंह धोऊंगी, ब्रश करूंगी, फिर हम पियेंगे चाय. तो मैं कल आ गई थी, मतलब फ्राइडे को पहुंच गई थी यहाँ पे शाम को 6:30 बजे कुछ ऐसे पहुंच गई थी, क्योंकि अब आदित्य के स्कूल शुरू होने वाले हैं तो आने था वापस. मन तो नहीं कर रहा था आने का, बट क्या कर सकते, आना तो पड़ता ही. कल शाम को तो आपके तो मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि कल शाम को खाना भी पति परमेश्वर ने ही बनाया था, इतना तो वो हेल्प कर देते हैं, मेरी काफी हेल्प कर देते हैं. तो कल बने थे, कल शाम को चने और चावल. अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा. तो ये नहीं, यहाँ पे चाय चढ़िए, दूध आज से ही लाना शुरू करेंगे शाम से, देखते हैं. और ये रहा यहाँ पे भाई, आदू भाई आदि. क्या खा रहे हो? और किसी जो आदत बिगड़ी हुई है ना सुबह उठने की, मम्मी के साथ वहां पे घर पे ये सुबह ही उठ जाता था 6:30 बजे, और यहाँ पे भी इसने आई थिंक 6 बजे उठ गया था. आज छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे है तो छुट्टी थी, पर हम लोग का मन था कि हम बहुत देर तक सोए रहेंगे, पर आदत जो है उठ गया था. तो हम लोग भी ऐसी वैसे नहीं कि बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, पर चाय बनाने अभी उठे हैं. वैसे तो हम काफी देर के उठे हुए हैं, बट ठंड में ना बिस्तर से निकल के काम करने के लिए हिम्मत जुटाना बहुत बड़ा टास्क होता है आजकल. तो चलो हम लोग, ये देखो यहाँ पे चाय उबल रही है, दूध डालूंगी. फिलहाल तो पैकेट वाला ही चल रहा है, आज शाम से फिर शुरू करेंगे अपना, वहीं से जहाँ से लेके आते हैं. चलो फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे. हाँ जी, तो अभी लोग बना रहे हैं आज अरबी की सब्जी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर करूंगी. गाने लगे एक मिनट रुको. पति को सिद्धू मूसे वाले का वो छाया हुआ है आजकल ना, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे. मैं 2 मिनट बाद बात करती हूँ. हाँ, तो मैंने बोला कि मैं अरबी की सब्जी बना रही हूँ, आटा मैंने गूंथ के रख दिया. अब जाती हूँ छत पे, क्योंकि ये अंदर गाने बहुत लगे तो आपको कुछ आवाज सुनाई नहीं देगी और कॉपीराइट भी आ सकता है. तो चलो छत पे देखते हैं दोनों बाप बेटा क्या कर रहे हैं. वो टैंकी किसने उठा दी यहाँ से नीचे से? 2 टैंकियां थी ना यहाँ पे, 2 थी. गुड मॉर्निंग, मेरी कॉल ऐसे होता है यार आदमी जब सोता है. जैसे आपको अपने पापा लगते थे ना बचपन में कि क्या बने, सुबह सुबह कितने गंदे लगते हैं, वैसे ही अब हम हो गए. आज भी मौसम ऐसा ही है कुछ, है ना. मैं तो रहने दो यार, तुम जा रही हो ब्यूटी पार्लर है ना, ठंड लगेगी तुमको, मजा और नहीं आएगा, पैसे भी खर्च करो, मजा भी ना आएगा. जोर से फेंकना यार ऊपर को, उड़ाओ तुम, उड़ाना पापा के पास. 2 मिनट, तू तो तोड़ देगा इसका सिर पैर. ये देखो यहाँ से पकड़ते हैं, देखो जल्दी आ गया. नहीं सीखोगे तो उड़ेगा कैसे? उड़ाओ जल्दी, इधर से पकड़ते हैं आप, इधर से पकड़ दो, इधर से नहीं पकड़ते, इधर से पकड़ते, इधर से पंप के नीचे, ठीक है. इसको सीधा रखते हैं, एकदम सीधा, ठीक है, और सीधा फेंकते हैं. इसको उड़ा दो, चलो उड़ा, फेंको. ऐसे उल्टा क्यों कर रहा है? अच्छा मुझे उड़ाने दो, मुझे दो, मैं भी ट्राई करूँ एक बार. पहले आदू को उड़ाने दो यार, आदू का गेम है. ओ अभी उड़ गया था, देख आदू ऐसे, ये देखो आप ऐसे कर देते हो ऐसे.
ओए वो गया, चला गया नीचे। आदू आदू रो क्यों रहे हो आप, पहले ये बताओ रो क्यों रहे हो। आओ मैं सिखाती हूँ, आ जाओ मैं सिखाती हूँ। पहाड़ भी नहीं दिख रहे अभी तो। आप उठा के देखो, उल्टा उल्टा ना, उल्टा 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 पकड़ो। बच गया। गया नीचे। आदू आपकी बारी है बुलाने के। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाते हैं बर्फी की सब्जी। तो तेल जो है वो मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई पे और यहाँ पे दही लिया है। दही में पानी मिक्स कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा फेंट के जो है लस्सी की तरह पतला बना देंगे। तो यहाँ पे ये देखो ये फेंट लूँगी मैं इसको विपर की हेल्प से। तो अरबी की सब्ज़ी नहीं पर अरबी की कढ़ी बना रही हूँ। तो ये पतीला उठा के मैं इसलिए दिखा रही थी कि नीचे गैस नहीं चल रही है, ये मैंने वैसे ही पतीला गैस के ऊपर रखा था। तो तेल गरम होते ही इसमें ऐड कर दिया है मैंने साबुत धनिया, साबुत जीरा और ये थोड़े से मेथी के दाने, 5-7 दाने लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेने, अदरवाइज़ फिर कड़वी हो जाती है कोई भी चीज़, सब्ज़ी हो दाल हो या थोड़ा सा डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी ऐड कर दिया है। अब जैसे ये मसाले थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये एक हरी मिर्च है और एक ही प्याज है कटी हुई। इसको इसमें ऐड करने के बाद, तेल में ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसको जो है पका लेंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने बना लिया है कुंडी में पीस के, उसको हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे, अदरवाइज़ लहसुन जो है वो जलना शुरू हो जाता है या कढ़ाई में चिपकना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज। अब इसमें ये जिंजर गार्लिक का जो दरदरा सा पेस्ट हमने बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। हल्का सा ये जब गोल्डन होने लग जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो भी हमें डालने हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डाली है हल्दी, घर की हल्दी है इसलिए थोड़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी लेकिन इससे कलर कम आता है। और नमक भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि कढ़ी बना रहे हैं, अभी इसमें दही भी डालना है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। और ये सूखे मसाले जो हमने खुद बनाए थे घर पे, इसमें धनिया और जीरा है और थोड़ी सी मेथी है, उनको दरदरा सा पीसा हुआ है ग्राइंडर में, तो वो ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर जो कलर के लिए होता है सिर्फ, इसमें मिर्च नहीं होती है, वो वाला ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर जो है वो खाने का ठीक आ जाए क्योंकि जो हल्दी है ये घर की है तो इससे कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आता है खाने में। तो ये पक गया है प्याज मसाले सब कुछ। अब इसमें ये अरबी जो है ये मैंने उबाल ली थी, उबाल के ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं इसके। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो ये जो मसाला है इसकी कोटिंग अच्छे से अरबी के ऊपर हो जाए। आप चाहे तो ऐसे सूखी सब्ज़ी भी बनाना चाहे तो बस ऐसे ही करके 5-7 मिनट ढक्कन लगा के पका ले तो वो सब्ज़ी बन जाती है सूखी सब्ज़ी अरबी की जो कि बहुत टेस्टी होती है। थोड़ी देर के लिए मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। और अब जो दही है जिसकी हमने लस्सी बनाई थी उसमें जो है ये चावल का आटा मैं ऐड कर रही हूँ। तो जैसे हम बेसन ऐड करते हैं वैसे आप चावल का आटा अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर मक्की का आटा है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा घनी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद
अब हम इसमें डाल देंगे ये दही जो ये अभी हमने बनाई है। तो ये मैंने 5-7 मिनट जो ऐसे ही ढक्कन बंद करके ही पकाई है, तो इसका जो फ्लेवर्स होते हैं मसाले के वो अच्छे से आ जाते हैं इसमें अरबी में। देखने में डिलीशियस लग रही है, ऐसे भी खा सकते हैं सूखे, ऐसे सूखी भी बनाते हैं हम लोग। बट आज हमारा जो है ये अरबी की कड़ी खाने का मन था, तो इसलिए वैसे बेजुओं की कड़ी बोलते हैं मेरे ससुराल की तरफ। तो आँच बिल्कुल जो है धीमी है इसकी, वैसे ये दही जो है ये फटेगा नहीं इसमें क्योंकि चावल का आटा लगा दिया है, बट फिर भी जो है एकदम से जब डालनी है ये लस्सी तो इसको साथ ही साथ ऐसे चला देंगे कड़छी से, तो फिर ये फटेगा नहीं दही या लस्सी जो भी आप डालेंगे। दही भी डाल सकते हैं, अगर थिक दही है तो उसको भी थोड़ा सा जो है विप करके वैसे डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए कड़ी तो उसकी लस्सी बना के कर सकते हैं। तो बस ये जो लस्सी थी ये मैंने पूरी ऐड कर दी है इसमें, और अब जो है इसको अच्छे से कढ़ने देंगे काफ़ी देर तक, मतलब 10 से 15 मिनट तक जो है ये कटती रहेगी। और मीनवाइल मैं बना लूँगी चपाती, तो यहाँ पे चपाती बनाना भी मैंने शुरू कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि चपाती भी गरम गरम होगी और जितने में ये कड़ी बनेगी ये भी गरम गरम रहेगी, तो गरम गरम खाना खाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। तो आटा पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब मम्मी आए थे तो मम्मी लेके आए थे, तब से लेके मैं तो नहीं थी घर पर, तो नीरज इतना कहाँ खा पाते, तो आटा भी बचा हुआ था हमारे, उसकी जो चपाती होती है ना घर के आटे की वो कुछ अलग ही पकती है और अलग ही टेस्ट होता है घर के आटे का। तो बस यहाँ पे खाना जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ये जो कड़ी है ये साथ ही साथ में कड़ती जा रही है, ऐसी पकती रहेगी ये साथ ही साथ बिल्कुल लो फ्लेम पे है। तो ये देखो आप, इसका कलर भी अब चेंज हो गया, उस टाइम पे बिल्कुल वाइट वाइट सा लग रहा था, पर धीरे धीरे पकते पकते कलर भी चेंज हो जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है ये। तो कड़ी तो हमारी बनके रेडी है, आप ट्राई करना ज़रूर। तो खाना जो है वो बन गया है हमारा, यहाँ पे जो मैंने अरबी की कड़ी बनाई है वो, और चपाती इसमें ये मैं घर से लेके आई हूँ मम्मी से। खाना बन गया है, खाएंगे दोनों, ये दोनों नहाने गए हैं अभी साथ में, बहुत दिन हो गए ना दोनों को साथ में, तो आज बहुत प्यार उमड़ रहा है एक दो दिन में ये, और उसके बाद फिर वही सब कुछ चलेगा। और ये देखो बर्तन कितने सारे मुझे धोने के लिए, बर्तन धो लूँगी उसके बाद नहाऊँगी फिर खाएंगे खाना, बना के रख दिया है बस, अब जब खाना होगा तो फटाफट से खा लेंगे। हाथ में आटा लगा हुआ है, हाथ भी धोने, तो चलो फिर अब खाना खाते हुए ही मिलते हैं आपसे। तब तक मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, और जब तक ये नहाएंगे तब तक फिर मेरी बारी उसके बाद ही आएगी नहाने की, तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो चलो बोलते हो, आप बोलोगे कहाँ चल रहे हैं, और मतलब ये ना पहाड़ी वालों का वो है थोड़ा सा, चलो ये करते हैं, चलो 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 फिर बाद में बोलती हूँ। ये मिर्ची है कितनी देर, दूध की कटोरी बोलता बंदा सुबह 5 बजे भी मेरे को कहानी सुनाओगे ना, समझ नहीं खाओ खाना, पापा को पता ही नहीं है यार, खुद खा लेता खाना है, खुद खा लेता है क्या? अब बड़ा हो गया है ना, बड़ा हो गया नहीं बड़ा होता जा रहा हूँ। वाह वाह भाई जी वाह, कितने फुलके बनाए तुमने? 12 फुलके बनाए, दो कितने बनाए? चलो देखते हैं किस राज्य के पर जाओ। मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है आपकी स्वेटर, नहीं है पतली स्वेटर नहीं पहनते, सर्दियां है आजकल, सर्दियों में कोई पतली स्वेटर पहनता है? हाँ। सर्दियों में लोग दो दो जैकेटें पहनते हैं। अब वो पता नहीं वो कौन लोग थे जो दो दो जैकेटें पहनते, दो दो स्वेटर हैं।
तो अभी हम लोग मैं बोल ये लोग तो सुबह ही नहा गए थे पर मैं अभी नहाई हूँ। बस सुबह भी नहीं नहाया, तुम दिन में ही नहाए 12 बजे के बाद ना। 6 बजे नहा गया था मैं, ठीक है सपनों में। अब वो अलग बात है पापा, चलो भी। और अब हम जा रहे हैं आदित्य को लेके ब्यूटी पार्लर। आदित्य का नाम क्यों घुसा रही हो तुम, बोलो मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। आदित्य क्या बने हुए हो आप? मैं तो ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, तुम तो जाओगे आदित्य को लेके, जाओगे कि नहीं? तो हम जा रहे हैं कि बोल रहे हो तुम, बोलो मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, आदित्य को लेके जा रहे हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है, दिस इज बिग बॉस। ये मेरी स्ट्रेटजी है। हाय कितने गंदे हो रहे मेरे हाथ, दिखाना अपने हाथ, दिखाना जरा एक चीज, दिखाना जरा, दिखाना जरा एक मिनट, थोड़ा लाइट में मुंह पे लगा लो, देखना। माय गॉड, घर जाके ना इधर अंगूठी का भी निशान पड़ गया है। मेरे साथ धोखा भाई साहब, धोखा हुआ है। Excuse माल मेरे को गलत दिखा दिया, पेंट उतर गया बाद में मेरे माल। नहीं यार, घर जाके ना मेरे बहुत ज्यादा वो हो गए, टैनिंग हो गई, बैठ बैठ के धूप में। उसी को मैं ठीक करवाने जा रही हूँ, थोड़ा सा फेशियल करवाऊंगी, हेयर कट करवाऊंगी। तो मम्मा को, मम्मा चलेगा ना इस व्लॉग को, कर दें यहीं पे एंड? आदू से पूछो भाई, आदू इस व्लॉग को एंड कर दें यहीं पे? तो करो फिर, आओ तेरे पीछे, बोलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किस में? नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो फिर इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पे बंद। दिल टूटा मेरा एक बारी। क्या कर रहे? थोड़ा सा फर्क पड़ा मेरे चेहरे में आज। हाँ, और काला लग रहा है। नेहरू लैक पेंट के साथ अलग अलग शेड वाले कार्ड आते हैं ना, वो भी जो फेयर एंड लवली के साथ भी आता है, उसको लगाएंगे तुम्हारा ना। ये देखिए, पहले मेरा था -1, अब हो गया मेरा -2। नहीं यार, घर पे ना धूप में भी हो जाते हैं, वैसे भी हो जाते हैं, तो अब हो जाएगा ठीक। तो चलो फिर इस व्लॉग को कटिंग यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको आज तला विस्ता व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, और गाली भी दे कोई बात नहीं। बेल आइकन प्रेस करना। और आप लोग ना यार नंबर मांगते रहते हो, इससे अच्छा आप मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई दे देती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो लिंक पे भी दे देना, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, लिंक भी दे दूंगी, पर वैसे अगर हिमाचली ब्लॉगर पूजा भी सर्च करो तो आ जाता है। मेरी नहीं, मैं इंस्टा पे नहीं हूँ। तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है, बिन पैसे के वकील। चलो ठीक है फिर, बाय बाय बाय।